नेक्स्ट पार्ट पर देखते हैं स्टूडेंट्स, अब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों में हमने ये कहा था कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए दो फिजिकल क्वांटिटीज आप यूज कर सकते हो। एक फिजिकल क्वांटिटी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूज कर सकते हो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूज कर सकते हो। इन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो। तो अब अगर हम ये सोचते हैं कि दोनों में आपस में क्या रिलेशन होगा तो फिर कैसे करें, तो देखो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। ये कोई सोर्स चार्ज है प्लस की यहां पर रखा है, इसकी वजह से इसके ये कोई लाइन है ना, इस लाइन पर ये पोटेंशियल ये बी है और ये पॉइंट ए, इसका पोटेंशियल बी और इसका पोटेंशियल बी प्लस डी बी है। इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल बी प्लस डी बी है और इस पॉइंट का पोटेंशियल बी है। तो आपको ये बताना, आपको इनमें रिलेशन हम फाइंड आउट करते हैं तो बहुत सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज कर लो इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस दिया है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई इस तरफ होगी। अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को, दैट इज किसी चार्ज को इधर से इधर मूव करवा रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट डी आर वेक्टर इधर की तरफ है, तो दोनों के बीच जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा, होगा कि नहीं। तो बहुत सिंपल तरीका है जहां से आप सॉल्व कर सकते हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डीडब्ल्यू इक्वल टू होता है एफ डॉट डी एक्स के, एफ डॉट डी एक्स या एफ डॉट डी आर, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है एफ डॉट डी आर, हमने यहां लगा दिया, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को लो तो क्या आएगा बेटा, एफ डी आर कॉस जी 180, और कॉस 180 की वैल्यू माइनस वन होती है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ एफ डी आर की, है ना। बट एक चीज हमने देखा था, ई इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू नॉट के, तो एफ जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू नॉट ई के। देन dw इक्वल टू आप लिख सकते हो माइनस ऑफ क्यू नॉट ई इंटू डी आर। अब आप इसको अपॉन में लेके आओ तो dw अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर हो सकता है ना। अब अगर इस बात को देखते हो तो w अपॉन q किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब v a माइनस v b इक्वल टू वर्क डन के इक्वल होगा dw अपॉन q नॉट के इक्वल होगा, तो देखो इस वाले में अगर हम लिखना चाहें तो ये किसके इक्वल होगा बेटा, v dv, v प्लस dv माइनस v इक्वल टू dw अपॉन q नॉट, v से v कैंसिल हो जाएगा, तो w अपॉन q नॉट dv इक्वल टू किसके आ जाएगा, dw अपॉन q नॉट के। रखो देन क्या आ जाएगा बेटा, dv इक्वल टू माइनस ऑफ edr अपॉन में लेके जाओ तो e इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ dq ओवर dr। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन आएगा। अब देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रीड आउट हो सकते हैं, इन पॉइंट्स को अलग से मेमोराइज करते हैं। ये तो रिलेशन पूछा जाता है, इसमें से ही क्वेश्चंस अराइज होते हैं। पहली चीज, नेगेटिव साइन क्या कहता है, तो नेगेटिव साइन कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करती है, दैट इज वी इंक्रीज करता है इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वाइस वर्सा भी हो सकता है कि वी क्या करेगा, डिक्रीज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो डीवी ये नेगेटिव साइन इस बात को स्पेसिफिकली क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, याद रहेगा ना। और रिलेशन क्या बनेगा, ये रिलेशन बनेगा। तो दोनों में रिलेशन अगर
आपको पूछने को आता है तो ये रिलेशंस आप इजीली ड्राइव कर सकते हो। अब इससे रिलेट करने वाली कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे। अब देखो, अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं इस तरह से, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बीच में जो सेपरेशन है वो कम है, इक्वल है, दैट इज दिस इसके बीच में सेपरेशन सेम है, और सेपरेशन सेम होता है तो हमने कहा था दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये तीन पॉइंट्स हैं, ये इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो गिवन है हमको 4 और 1, इसके कोऑर्डिनेट है 4 एंड 1 और इसके कोऑर्डिनेट है 4 एंड 4, और इस वाले पॉइंट ये ए मान लो, इस पॉइंट को बी और इस पॉइंट को सी ले लो। इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट उन्होंने दे रखे हैं -3 एंड 4, है ना, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू गिवन है आपको, E इक्वल टू दे रखा है 300 न्यूटन पर कूलम, और ये डायरेक्टेड है अलोंग जेड एक्स, अलोंग एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर डायरेक्टेड है, -I कैप ये डायरेक्टेड। अब आपसे ये पूछा जाता है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट पार्ट में पूछा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस ठीक, किसका पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता करना है, वी ए एंड वी बी का, दैट इज ये डेल्टा वी ए बी बताना है। दूसरा आपको बताना है डेल्टा वी ए सी, और थर्ड आपको बताना है डेल्टा वी बी सी, ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताने हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितने होंगे। देखो सिंपल, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन बहुत सिंपली, कहां से स्टार्ट कर सकते हो, फर्स्ट को फाउंड आउट करने की कोशिश करो। देखो ये दो, इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट, अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लेने की कोशिश करूंगा तो ए से बी जाने के लिए मुझे ऐसे जाना होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की तरफ एक्टिव है, दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, तो ए से बी तक जो भी जाने में कोई वर्क डन नहीं होगा, दैट इज वर्क डन जीरो आएगा, क्योंकि ए से बी तक फोर्स आप, ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट डीआर वेक्टर इधर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, दैट इज डीआर वेक्टर हमारा इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी कितना आएगा, हमने अभी डिस्कस किया डब्ल्यू ए बी इक्वल टू किसका आएगा, जीरो के, क्यों, क्योंकि हमने कहा था कि एंगल कितने डिग्री का, थीटा बिकम्स 90, दैट्स व्हाई वर्क डन इज जीरो, और अगर वर्क डन जीरो होगा तो डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू ए बी इक्वल टू वी ए बी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, और ये जीरो तो इसको भी क्या होना होगा, जीरो होना होगा, तो ए को तो ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका भी हम बताते हैं, आप उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। सेकंड पॉइंट हम लेंगे बी पार्ट में, आपको पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी के बीच का बताना है। देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है इसका, ठीक। अब देखो इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, कैसे निकालेंगे, एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो वी सी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू वर्क डन कहां से, ए टू सी अपॉन क्यू नॉट, ऐसे कर सकते हो। अब आप गौर से देखना बेटा, जब मैं ए से बी और फिर मेरे को बी से कहां जाना होगा, सी जाना होगा, तो अभी कहा था ए से बी में तो वर्क डन जीरो है, तो वर्क डन जीरो हो गया ए से बी, लेकिन बी से सी में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, डी आर वेक्टर की भी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, तो वर्क डन कितना आएगा बेटा, एफ डॉट डी आर अपॉन क्यू नॉट, फाइन, डॉट प्रोडक्ट खोलो, देखो फर्स्ट पार्ट में तो वर्क डन जीरो है, एफ अपॉन क्यू नॉट डॉट डी आर, ये किसके आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट इज ई डॉट डी आर के इक्वल होगा। अगर E डॉट डी आर करोगे
तो देखो यहां से यहां तक, देखो यहां से यहां तक का गैप कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कितना दे रखा है 300, और dr कितना होगा b से c तक की डिस्टेंस, तो b से c तक की डिस्टेंस कितनी होगी 4 और 3 है ये, है ना, कितना आ जाएगा 7 माइनस 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 2100, इतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए और सी के बीच में। सिंपल, देखो बेटा यहां से यहां तक के लिए तो कोई वर्क डन होगा नहीं, दूसरी तरह से भी कह सकते हो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इस पॉइंट का और इसका पोटेंशियल सेम है, तो हमको मूव केवल यहां से यहां करना है, तो इस वाले में कितना वर्क डन होगा, ये हमने इस वाले के लिए वर्क डन निकाल लिया। ऐसे ही सी पार्ट के लिए अगर मैं वर्क डन निकालने की कोशिश करूंगा तभी आप कैलकुलेट कर सकते हो सी पोर्शन में, बीसी के अंदर भी उतना ही वर्क डन होगा जितना एसी में होगा, क्यों, क्योंकि भाई यहां से यहां तक तो कोई वर्क डन हुआ ही नहीं, वर्क डन तो केवल इसी पार्ट में हुआ था, इसकी वजह से डेल्टा बीसी भी क्या होगा सेम होगा, डेल्टा बीसी बिकम्स 2100 वोल्ट। ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ई डॉट डी एल की मेथड से भी आप इसको सॉल्व करके लेके आ सकते हो, कैसे भी करो, है ना, तो अल्टीमेटली इस तरह से आप दोनों पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हो। डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम लेते हैं, हमको आपकी बात किसी रीजन का पोटेंशियल दे रखा है, V इक्वल टू आपको गिवन है कुछ इस तरह से 10x² प्लस y² प्लस 5z² xz, ये आपको क्या दिया हुआ है पोटेंशियल दे रखा है, आपको फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है एट, एक कोऑर्डिनेट देते हैं 2, -1 एंड 1, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है कितनी होगी। फाइन, देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले हम ये निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट इंडिविजुअली। हमने एक रिलेशन पढ़ा था, ई इक्वल टू होता है -dv/dr। अगर मैं फॉर एक्स एक्सिस बात करता हूं, फॉर एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के लिए ई एक्स इक्वल टू होगा -d/dx। वी की वैल्यू आपको पता है, वी की वैल्यू है हमारे पास 10x² प्लस y² प्लस 5xz। अब आपको इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, दैट इज डिफरेंशिएट करो, x के लिए डिफरेंशिएट करना है, बाकी के कंपोनेंट को आप जीरो ट्रीट, कांस्टेंट ट्रीट करोगे सभी को। अब आप डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो देखो बेटा इसका कितना हो जाएगा 20x, कि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, और इसमें एक्स का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 1, तो 5z आएगा। ठीक, अब आप इस एट पॉइंट पी, एट पी, अगर पी ये एक्स का वैल्यू है, ये वाई का और ये जेड का, वैल्यू पुट करके देखो तो -20 × 2, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, 5 × 1 कितना आएगा -40 + 5 दैट इज -35, ये हमारा एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। अब आप किस कौन सी कंपोनेंट को लोगे बेटा, वाई कंपोनेंट को लिखोगे, माइनस डी ओवर डी वाई ऑफ वाई के लिए 10x² प्लस y² इसमें बेटा माइनस आएगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पर भी ये माइनस आएगा, तो दिस इज आल्सो बी द माइनस, देन बिकम्स इट 45। ऐसे ही y² प्लस 5xz। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करोगे, y के लिए डिफरेंशिएट करोगे तो x और z कांस्टेंट होंगे, ये कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2y, और इसमें
वाई है ही नहीं तो ये कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये कंप्लीट कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक्स और जेड है, पर एक्स भी कांस्टेंट है और जेड भी कांस्टेंट है। इट मीन हमारे पास डिफरेंशिएट होके आएगा माइनस टू वाई। अब आप वाई की वैल्यू पुट करो, वाई की वैल्यू ये रहा माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो टू आएगा। ऐसे ही आपको कंपोनेंट कौन सा निकालना है, जेड कंपोनेंट, माइनस डी ओवर डी जेड इक्वल टू, कैसे लिखोगे करो इसका डिफरेंशिएट, टेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फाइव एक्स जेड इक्वल टू माइनस। अब आप करो बेटा डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएशन जीरो, इसका भी डिफरेंशिएशन जीरो, ये आएगा बस जीरो प्लस जीरो प्लस फाइव एक्स, एक्स की वैल्यू लगाओ फाइव इंटू एक्स की वैल्यू टू है तो माइनस टेन आएगा। इस तरह से आपको एक्स कंपोनेंट मिल गया, वाई कंपोनेंट मिल गया और जेड कंपोनेंट मिल गया। तब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिख सकते हो, ई इक्वल टू ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के। एक्स की वैल्यू लाओ देखो उधर माइनस फोर्टी फाइव आई, उसमें वाई के लिए क्या है प्लस का टू जे और जेड के लिए कितना है माइनस टेन पी। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर जिसका पोटेंशियल आपको ऊपर लिखा हुआ है ना, ये किसी पॉइंट का पोटेंशियल है, उस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी होगी। इस तरह से आप पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करके क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो इस तरह से, ठीक।